नंबर है मैंने कह दिया अनिल को दे दिया वो जाने से पर लगी हुई हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस मंदिर के बारे में आप बताना चाहेंगे आपका शुभ नाम क्या है और इसी के साथ यहाँ पर जो है कितनी मूर्तियाँ विराजमान हैं और यह मंदिर जो है कब से यहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई थी और क्या चमत्कार है। मैं पुजारी पंडित राजेश त्रिवेदी। ये त्रुटिनाथ मंदिर है, बहुत प्राचीन है, सन 1474 ईस्वी का इसकी वो हुई है। स्वयंभू शिवलिंग है, यहाँ पर एक अपने आप से प्रकटित शिवलिंग है और यहाँ की बहुत विशेषता है। बहुत श्रावण के महीने में 12 महीने यहाँ पे भीड़ लगी रहती है और यहाँ पे जैसा कि देखा जाए अंदर स्वयंभू शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, वहाँ की बाबा की महिमा बहुत है। जो भक्त जो भी अपनी मनोकामनाएं होती जो मांगते हैं उनकी पूर्ण होती हैं। श्रावण के महीने में इतनी भीड़ होती है कि बाहर तक लाइन लगी रहती है, लोग कांवर चढ़ाने दूर दूर से कांवरें चढ़ती हैं। और यहाँ की विशेषता की ये है कि एक चरवाहा सो रहा था और उसको स्वप्न में बाबा आए तो उसने खुदाई हुई तो वहाँ पे स्वयंभू शिव जी स्वयं प्रकट हुए। तो तभी से भक्तों की भीड़ लगी रहती है और तब से लेकर के आज तक 605 वर्ष हो गए बाबा की मंदिर को जब से स्थापना हुई है, तभी से बराबर चलता चला जा रहा। और यहाँ पे बगल में राम दरबार है, उधर हनुमान जी का है, गणेश जी की है स्थापना और विष्णु राधा कृष्ण उस साइड में नवग्रह मंदिर है, सामने मनोति धाम है, शिव मूर्ति है खड़ी। मंदिर काफ़ी विशाल है, बड़ा है, काफ़ी है। जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, बाबा की बड़ी महिमा है। देखो मंदिर में ऐसे अभी कोई वो नहीं है, बाहर से अपना
रिक्शे से आ सकते हो या पैदल भी आ सकते हो, यहाँ तक 2 किलोमीटर की दूरी पर है इज्जत नगर रेलवे स्टेशन और जंक्शन से करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। श्रावण के महीने में देखा जाए तो कम से कम 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से श्रद्धालु आता है यहाँ पे, और वैसे भी डेली भी कम से कम 2-4-5 हज़ार श्रद्धालु डेली दर्शन करते हैं। कार से पढ़ा कि 3 बटके वृक्ष हैं, ये जो विशाल वृक्ष दिख रहे हैं 3 बटके वृक्ष हैं, और नाथ स्वयंभू जो स्वयं प्रकटित हुए हैं उनका नाम, इसलिए त्रिवटी नाथ नंबर प्राचीन में प्राचीन पहले टिवरी नाथ पड़ा नाम, कोई कुछ कहता रहा कोई कुछ कहा, लेकिन वर्तमान में शुद्ध नाम यही है 3 बटके वृक्ष, इसलिए त्रिवटी और नाथ स्वयंभू शंकर जी विराजमान है इसलिए त्रिवटी नाथ नाम पड़ा। मैं इनका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है नरेश कुमार मित्रा। नरेश जी बताइए, ये जो त्रिवेणीनाथ जो मंदिर है ये कब से विख्यात है और क्या इसकी परंपराएं हैं? तो आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? हम 2000 से काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं यहाँ पर? ठाकुर जी का भोग बनाता है। भोग में क्या क्या इसमें जो है समर्पित होता है? क्या क्या? दाल चावल सब्जी रोटी दोपहर का, और शाम को 2 सब्जी और रोटी, 1 रस्सी। कुछ 56 भोग का भी महीने में लगता है। विशेषता है जो ये सामने बोर्ड लगा 74 है, एक बहुत समय पहले की बात है तो एक यहाँ चरा का जब गहरी नींद में सो रहा था तो उसे आवाज़ हुआ तो कभी यहीं से प्रकट हो गया, तो उसकी निंद्रा खुली तो इसकी चर्चा चारों तरफ फैल गई और लोगों का भीड़ उमड़ पड़ी, आके देखा तो जमीन से अपने आप सिविल ऊपर के लिए उभर आया। लोग इसमें बहुत बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं, इसका यहाँ बरेली यूपी में नहीं विदेशों में नाम है इसका।